अफगानिस्तान ने फेंटा दिया है पाकिस्तान को ठीक ठाक किस्म का। वेरी एम्बैरेसिंग, रियली रियली एम्बैरेसिंग, लाइक आई एम रियली सुपर सुपर डिसअपॉइंटेड। तो कांग्रेचुलेशंस भाई, कांग्रेचुलेशंस। और बताओ मैं इनको क्या करूं, अफगानिस्तान ने घंटा बजा दिया पाकिस्तान का। ये हमारी बेहतरीन नंबर वन बॉलिंग भी थी ना हमारी, ये बिल्कुल नंबर वन, हम हर जगह नंबर वन फेल क्यों, जिसको देखना पड़ेगा ये कहने के लिए। मेरा ख्याल दोनों इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कह सके और बता सके आप अंदाजा लगाएं प्रेशर कितना है। मैं बता रहा हूँ, मैंने इस टीम का बायकॉट कर देना, अफगानिस्तान से हार यार, अफगानिस्तान से हार मंजूर नहीं है। मतलब की ऐसी इतनी बिजी पिचली थी इन्होंने बना दी है। अफगानिस्तान वाले पहले पाकिस्तान से क्रिकेट सीखते थे, अब ये इनको सिखाने में लगे हुए हैं। मैं कहूंगा कि ये बात है कि पाकिस्तान की इतनी अच्छी टीम होके भी अफगानिस्तान जैसी टीम से मैच हार गई। पाकिस्तान तो गयो सीधा भाई इस्लामाबाद या कराची लाहौर के एयरपोर्ट पे उतरेगा भाई। पहली जा रहे हैं हम, 100 आर हमें फेल के जा रहा है, जो आर हमें फेल के जा रहा है। हम तो भी इजी हो गए सबके लिए, हम तो सबके लिए इजी हो गए, इजी टारगेट है। जो आता है फेल जाता है, जो आता है फेल जाता है। हम रेडी भी बैठे होते हैं, आओ पेल लो, आओ पेल लो, आओ पेल लो। सारी कसर निकाल के आउट हुआ गुरबाज, उसने क्या धुलाई किया 53 वालों पे 65 स्कोर, 9 चौके 1 छक्का और इस टेपिए की इतनी धुलाई कर दिया ना, एक ही ओवर में आरएस राव को 4-4 चौके जोड़ के मार दिए। तो अफगानिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान उनसे ऊपर आए, और उनकी भी बात ठीक है, जो हालात जा रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने मैचेस भी हारी जा रहा है और भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है। तो सारी सी बात, अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान को किसी तरह डोमिनेट करे। अब ये मैच में देख ले जो अफगानियों ने पाकिस्तान का हाल कर दिया। शेम ऑन यू, इनको सो गयो। सीधा भाई इस्लामाबाद या कराची लाहौर के एयरपोर्ट पे उतरेगा भाई। हम तो चले सरन, तुझे भी ले डूबेंगे और ऐसा डुबाएंगे कि रात को नींद में अफगानिस्तान आएगा तुम लोगों को। गुरबाज और इब्राहिम की यही बैटिंग हम काफी अरसे से चाहते थे, और ये दोनों प्लेयर बने ऐसी बैटिंग के लिए है, तो भाई क्यों ना करे ये ऐसी बैटिंग। और अफगानिस्तान के कोच ने पहले ही बोल दिया था, खबरदार किया था पाकिस्तान के टीम को कि भाई इस बार जो बैटिंग आने वाली है वो तूफानी बैटिंग है माशाल्लाह। और आज दोस्तों देखिए कि वही तूफानी बैटिंग, ब्रिलियंट बैटिंग एंड इनिंग फ्रॉम गुरबाज एंड इब्राहिम ज़दरान। आई लव यू भाइयों, आई लव यू। इसी के लिए तो आप लोग बने हो यार, आप लोग है इसी बैटिंग के लिए हो। इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी टीम तुम लोगों से घबरा रही है आज। वेल डन भाई, वेल डन, दिल जीत लिया भाई, यकीन करें गुरबाज और इब्राहिम दिल जीत लिया भाई। और बताओ मैं इनको क्या करूं, अफगानिस्तान ने घंटा बजा दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का टैलेंट ये वो बढ़ गया सारा, अफगानिस्तान ने घंटा बजा दिया, अफगानिस्तान ने आपका घंटा बजा दिया, आपको आपकी औकात याद दिलवा दिया। और शर्म नाम की कोई चीज होती है, ये अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की टीम को ऐसा रंबू लगाया, ऐसा रंबू लगाया, उन्होंने आपके चेहरे के ऊपर एक्स्ट्रा प्रो मैक्स जहन्नम की लानत भेजी है। शर्म कर लो, पाकिस्तान का नाम बदनाम करवाते हो हर जगह पे जाके, शर्म नहीं आती आप लोगों को, आप लोग पागल हो गए हुए हो। वो घंटा, वो नेपाली घंटा, वो जो बाबर आजम है जो नेपाल के खिलाफ चलता है उसका भी घंटा बजा दिया उधर। वो शर्म करो, शर्म, शर्म कर लो, और शर्म कर लो, पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहे हो। ये टैलेंट है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने हराया नहीं है सर, आपका टैलेंट एक्सपोज हुआ, ये टैलेंट है आपका। और ऐसे टैलेंट को तो मैं कहता हूं रूढ़ी पे रखो, ऐसे टैलेंट को निकालो, इनको निकलो बाहर, घंटो सारे, घंटा बजवा दिया आपने, शर्म नहीं आती आपको, अपने मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हो। बड़ी को मुश्किल पिच मान गई थी ना, आपसे बेहतर तो अफगानिस्तान है। मुझे बड़ा प्यार है अपनी कंट्री से, बड़ा प्यार करता हूं मैं, मेरा दिमाग तपता है जब ये बेइज्जती करवाते हैं, मेरा दिमाग तपता है जब ये जलील करवाते हैं, मेरा दिमाग में मेरा सर दर्द शुरू हो गया हुआ है, मुझे सर दर्द हो रहा है इस टाइम, ये जलील करवा रहे हैं हमें। शर्म कर लो थोड़ी सी, फिर बोलोगे कि ये गालियां देता है, और मैं क्या करूं, क्या इनका मैं नहीं, क्या करूं मैं। पहली जा रहे हैं हम, 100 आर हमें फेल के जा रहा है, जो आर हमें फेल के जा रहा है। हम तो भी इजी हो गए सबके लिए, हम तो सबके लिए इजी हो गए, इजी टारगेट है, जो आता है फेल जाता है, जो आता है फेल जाता है। हम रेडी भी बैठे होते हैं, आओ फेल लो, आओ फेल लो, आओ फेल लो। शेम ऑन यू, इनको शर्म आ जाए, लेकिन इनको नहीं आएगी।
जान अफगानिस्तान की टीम ने बाबर आजम 11 घंटों की शलवार उतार के उनकी बैंड बचा के रख दिया है। तारीख का काला तरीन दिन, शर्मनाक तरीन दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री का। यह बाबर आजम घंटे की टीम है, यह बाबर आजम घंटे का प्रोडक्ट है, यह इसकी दोस्ती यारियां नलायकियां बहती है। पाकिस्तान के क्रिकेट के लोग जो कहते हैं अफगानी नमक हराम है, पिशावर से क्रिकेट सीखी है और हमारे उन पर एहसान है, आज उन्होंने बैंड बचा के रख दिया। आपकी पाकिस्तानी टीम का जनाजा पढ़ा दो। हम तो इतने अरसे से कह रहे हैं ये घंटे में दम नहीं है और इस घंटे के फैंस आज खुश होंगे। इसने 74 बना दिया, इसकी फॉर्म वापस आ गई, इसकी बैटिंग वापस आ गई, इसने 88 मीटर का छक्का मार दिया। अफगानिस्तान ने आपको 888 मीटर की बचा के रख दिया यार। बड़े फॉर्मेट में वनडे है, बड़ा फॉर्मेट है। अफगानिस्तान से जिली लोहार हो गए, ऑस्ट्रेलिया से हो गए, इंडिया से हो गए, किसी के आगे तो इज्जत रख लो यार। टॉप करना था तुमने इस वर्ल्ड कप में जाके, कह रहे थे हम जीतेंगे, हमारा नंबर वन बॉलिंग अटैक है, शर्म का मकाम है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट को बाबर आजम घंटे घंटे के फैन कहां पर ले आए हो? ये बाबर घंटे के, बाबर बकरी के फैन पाकिस्तान की क्रिकेट को कहां पर लेके आ गए हो? मैं बता रहा हूं, मैंने इस टीम का बायकॉट कर दिया ना। अफगानिस्तान से हार यार, अफगानिस्तान से हार मंजूर नहीं है। मतलब कि ऐसी इतनी बीजी पिच नहीं थी इन्होंने बना दी है, एक सही लेंथ पे बॉल ही नहीं कर रहे और फिर फील्डिंग इतनी गंदी फील्डिंग। राशिद खान को देखे, उसने कैसी लेंथ पे यार चौके करवा रहे हैं, प्रेशर भी डाल रहे हैं, हद करते ऐसी लूज फील्डिंग, ऐसी लूज फील्डिंग, ऐसी हद हो गई। लोग अफगानिस्तान से हारना ये कबूल नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अफगानिस्तान से हार कबूल नहीं है। हद हो गई है, मतलब कि हद हो गई है इस टीम के ऊपर, हद हो गई है कि इतनी गंदी बोलिंग, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी सीधी विकेट थी, इससे इससे इन्होंने रन ही बहुत कम कर दी है। अब तो ये लग रहा है कि यहाँ पे तो 340-50 होना चाहिए था। क्या ये थर्ड क्लास और गटिया किस्म की जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, सारी कसर निकाल के आउट हुआ गुरबाज, उसने क्या धुलाई किया 53 वालों पे, 65 स्कोर, 9 चौके, 1 छक्का और इस टेपिए की इतनी धुलाई कर दिया ना, एक ही ओवर में आरएस राव को 4-4 चौके जोड़ के मार दिए। कोई दिमाग नहीं है भाई साहब कि कहां पर बॉल पिच करना है, इतना ज्यादा रूम दे रहे हैं ऑफ साइड के ऊपर और ये करके वो गैप निकाल के जो चौके लगा रहे हैं। शाहीन अफरीदी आते साथ पहले ओवर में एक चौका गुरबाज ने मार दिया, एक इब्राहिम जादरान ने मार दिया, असन अली ने आते साथ चौका खा, 2 चौके खा लिए, उसके बाद जो कसर बची थी वो उसामा मीर ने निकलवा ली है और 130 स्कोर की जो पार्टनरशिप अफगानिस्तान के ओपनर्स के दरमियान हुई है, इब्राहिम जादरान और साथ में गुरबाज के दरमियान। दुख तो हमें इंडिया से हारने पर नहीं होता जितना आज पाकिस्तान की अवाम को अफगानिस्तान से हारने पर हो रहा है, क्योंकि इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान की अवाम अफगानिस्तान को क्रिकेट में का दुश्मन समझने लग गई है। जी ऐसा ही है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारी एक नई राइवलरी स्टार्ट हो गई हुई है। अफगानिस्तान वाले पहले पाकिस्तान से क्रिकेट सीखते थे, अब ये इनको सिखाने में लगे हुए हैं। जो कारकर्दगी दिखा दी इस मैच में बहुत ही ज्यादा, यानी कि शर्मनाक मैं कहूंगा कि ये बात है कि पाकिस्तान की इतनी अच्छी टीम होके भी अफगानिस्तान जैसी टीम से मैच हार गई है, क्योंकि लास्ट मैचेस में भी जब पाकिस्तान की मेन टीम भी खेलती है हमेशा अफगानिस्तान के साथ ना राइवलरी नजर आई है। मतलब इस तरह ही अगर हम परफॉर्मेंस देते रहे तो हमारा तो बस मजाक ही बनता रहेगा। मजाक तो बन चुका है ना, देखिए आप हमेशा वो यानी कि जब अफगानिस्तान जीत रहा होता है तब कोई ना कोई नसीम शाह टकर जाता है उनसे, ठीक है, वहां पर आके कोई उनको यानी कि तुरफ होता ना उनके साथ मैं यानी कि कह जाता मैं पंजाबी में कहूंगा। तो बहरहाल पाकिस्तान ने आज जो मैच खेला बहुत ही नाकस कारकर्दगी की अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान उनसे ऊपर आए और उनकी भी बात ठीक है जो हालात जा रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने मैचेस भी हारी जा रहा है और भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है। तो सारी सी बात अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान को किसी तरह डोमिनेट करे, अब ये मैच में देख लें जो अफगानियों ने पाकिस्तान का हाल कर दिया।